Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. In today's class, I welcome you for a chapter of your maths book. Are you all ready? Ready hain aap sab? To aaj ki class mein hum karenge aapka chapter 7. Chapter 7 aapka addition and subtraction of number up to 100. Kya karna hai? Addition and subtraction of chapter up to 100. Warm up part kya hai hamara? Ayushi bought 4 blue balloons and 5 red balloons. How many balloons did she buy altogether? ऑल टुगेदर उसने साथ में कितने खरीदे 4 बलून रेड थे 4 ब्लू बलून थे और 5 रेड थे हम क्या करेंगे हम 4 में 5 को ऐड करेंगे ना ऑल टुगेदर के लिए क्या करते हैं हम ऐड और 4 प्लस 5 कैसे करेंगे 1 2 3 4 2 3 4 5 अब साथ में काउंट करिए 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं 9 बलून्स राइट Then Rajiv has 8 crayons. He gave 2 to his younger brother. How many crayons are left with Rajiv? Left. 8 थे. 2 दे दिए. 2 क्या और उसमें subtract हो रहा है ना? कैसे निकालेंगे? Addition मतलब to add something together. Subtraction मतलब to take something, right? So 8 minus 2 क्या करेंगे हम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 में से क्या करेंगे हम? 2 को minus करेंगे. कितना बचा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो क्या आ जाएगा? 6. How many crayons are left? 6, right? So, addition of 2-digit number. 1-digit का हमें आता है. हमें क्या देखना है? 2-digit का. Nana made 12 garland on Monday and 7 garland on Tuesday. How many garland did she make in all? कितने garland बनाए उतने? तो हम क्या करेंगे? पहला step क्या है? 1s को add करेंगे. 12 में 2 is 1s और 7 में तो सिर्फ 1s है 2 और 7 9 हो गया और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 का as it is आ गया 10s को जब ऐड करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो we suppose when there is nothing it means it's 0 तो 1 plus 0 is 1 so 1 in the 10s place and 9 is the 1s place it become 19 so she made 19 garland next is Exercise 7.1. What it is? Exercise 7.1. Add the following. Add करें. क्या करेंगे? 1 को add करेंगे. पहले 3 and 5. कितना? 5 plus 3. 6, 7, 8. Right? And 3 का? 3. 6 plus 0. 6. And 4 का? 3 plus 3. And 2, समझ में आया? इसको आप सिंपल इस तरीके से ऐड करेंगे बेटा, ones पहले, then tens, then addition of 2 digits number. अभी हम क्या करें? Without carryover. Carryover क्या होता है? जब भी कभी 10 से ज़्यादा नंबर आता है, हम उसको दूसरे कॉलम में shift करते हैं, okay? चलिए. Example, Tina and Shruti bought some beads and each of them made a necklace. Tina's necklace has 46 beads and Shruti has 42. How many beads we have together? क्या करेंगे हम? Tina के beads को, Shruti के beads को add करेंगे. So we have to add 46 and 43 to get total number of beads. Working step क्या होगा? Correct column में रखा. 46 में 4 tens पे है, 6 ones पे है. And 43 में 4 tens पे है, 3 ones पे है. Then add करेंगे ones को, then add करेंगे tens को. क्या आ गया हमारा 89 ओके देन वी हैव एक्सरसाइज 7.2 व्हाट वी हैव एक्सरसाइज 7.2 वंस को ऐड करेंगे 50 5 एंड 71 8 31 4 31 4 63 7 8 9 718 जिसको फिंगर्स पे काउंट करना नहीं आता बार्स भी ड्रॉ कर सकते हैं बट बाय द प्रैक्टिस यू शुड डेवलप द फिंगर्स काउंटिंग हैबिट ओके देन वी हैव 437 एंड 549 10 1 एंड 26 8 35 8 एंड 213 50 5 एंड 33 6. Okay, that is how you will solve all the question.
नाउ वी हैव रीग्रुपिंग. जब कैरी ओवर आता है हमें रीग्रुपिंग करनी होती है. कैसे करते हैं? हमारे पास जब भी 9 से ज़्यादा नंबर होगा अगर वंस में, तो हम क्या करेंगे उस केस में? सपोज वी हैव 17 वंस, तो 17 वंस को हम क्या लिख सकते हैं? 10 वंस प्लस 7 वंस, एंड 10 वंस इज इक्वल्स टू 1 टेंस, राइट? सो 10 वंस को हम टेंस कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हैं. 2 टेंस प्लस 70 वंस को क्या करेंगे? 2 टेंस प्लस 10 वंस प्लस 70 वंस, एंड 10 वन विल बिकम 1 टेन. 2 टेंस प्लस 1 टेंस प्लस 7 वंस. सो इन नाउ इन द टेंस कॉलम वी हैव 3 टेंस एंड इन वंस कॉलम वी हैव 7 वंस. सो व्हाट हैपन? 2 टेंस दैट मीन्स 20 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 37. ओके, सिक्स टेंस प्लस 31, 31 अगेन कैन बी रिटन एज दिस एंड दिस विल बी 1 टेंस. तो सिक्स टेंस प्लस 1 टेंस, 7 टेंस प्लस 3 वंस. ओके, दैट इज हाउ वी सॉल्व इट. वी हैव एक्सरसाइज 7.3. फिर इन दी ब्लैंक्स, 3 टेंस प्लस 50 वंस इज इक्वल्स टू 15 वंस का देखो 5 वंस बचा है, मतलब 10 वंस 1 टेंस बन के चला गया. 3 टेंस की जगह क्या आ जाएगा? 4 टेंस. 1 टेंस प्लस 18 वंस इज इक्वल्स टू 2 टेंस प्लस 8 वंस, बिकॉज 1 का 2 हो गया, मतलब 10 वंस तो टेंस में चले गए, राइट? 8 टेंस प्लस 12 वंस इज इक्वल्स टू 9 टेंस. 5 टेंस प्लस 19 वंस इज इक्वल्स टू 16 टेंस प्लस 9 वंस. क्लियर है ये आपको? एडिशन विद रीग्रुपिंग और कैरी ओवर, कैसे करते हैं एडिशन? रीग्रुपिंग सिखा दी आपको. रश्मि के पास 36 क्रियॉन्स थे एंड स्नेहा के पास 28 क्रियॉन्स. ऑल टुगेदर यानी कि ऐड करना है, कितने होंगे टोटल? 6 वंस प्लस 8 वंस. पहले हमने क्या करा? कॉलम्स में रखा, ऐड द वंस किया, 14 वंस आ रहा है. 14 वंस को जब रीग्रुप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 वंस प्लस 4 वंस. 10 वंस को हमने क्या कर दिया? 1 टेंस बना के इधर कैरी ओवर कर दिया, और बचा क्या? 4 वंस, 4 यहाँ लिख दिया. अब टेंस के कॉलम में 3 टेंस प्लस 2 टेंस तो थे, 5 टेंस प्लस 1 टेंस जो आया था उसको मिला क्या आएगा? 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 टेंस. क्या आया? 6 टेंस. लुक, सो दे हैव ऑल टुगेदर 64 क्रेयॉन्स. 7.4 ऐड करते हैं. 5 वंस प्लस 8 वंस कितना होगा? 9, 10, 11, 12, 13 में 3 वंस, 13 में से 10 वंस को मैंने 1 टेंस बना के यहाँ ट्रांसफर कर दिया. 2 वंस प्लस 2 टेंस प्लस 1 टेंस, 3 टेंस. 9 वंस प्लस 4 वंस, 13 वंस, 13 में से अगेन 3 वंस लिखा, 10 वंस को 1 टेंस में ट्रांसफर किया, यहाँ आ गया 7. ओके, दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. नाउ लुक बोथ, व्हेन बोथ द कॉलम्स आर देयर, 7 टेंस एंड 3 टेंस, 10 टेंस, 7 टेंस एंड 3 टेंस, 10 वंस हुआ. आपको पता है 10 वंस मतलब होता है 1 टेंस, उसके अलावा कुछ नहीं. तो यहाँ तो 0 आ गया और यहाँ वो 1 टेंस बन के हमारा चला गया. 6 टेंस प्लस 2 टेंस 8 टेंस प्लस 1 टेंस इज 9 टेंस. 9 वंस प्लस 5 वंस 10, 11, 12, 13, 14. 14 वंस में से 4 वंस तो यहाँ आ गया, 10 वंस 1 टेंस बन के गया. 5 टेंस प्लस 3 टेंस 8 टेंस प्लस 1 9 टेंस. ओके, दैट इज हाउ यू विल सॉल्व. नेक्स्ट वी हैव स्टोरी सम्स. व्हाट वी हैव? स्टोरी सम्स. स्टोरी सम्स में क्या होता है? हमें स्टेटमेंट्स लिखनी होती है. इन अ क्लास देर आर 25 बॉयज एंड 23 गर्ल, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देर इन ऑल. तो हम क्या लिखेंगे? क्या क्या बताया? नंबर ऑफ बॉयज. सो नंबर ऑफ बॉयज क्या है? 25. नंबर ऑफ गर्ल्स 23. ऑल टुगेदर इनको ऐड किया, ऐड करने पर क्या आया हमारा? 538224. सो देयर आर 48 चिल्ड्रन इन ऑल. नेक्स्ट एग्जांपल, आदित्य हैज प्लांटेड 35 रोज एंड 18 सनफ्लावर. फ्लावरिंग प्लांट कितने हैं? 30. नंबर ऑफ रोज प्लांट लिखेंगे पहले, कितने हैं? 35. नंबर ऑफ सनफ्लावर प्लांट 18. टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स प्लस करेंगे, आंसर आया 13 का. देखिए
थ्री वंस लिखा और टेन वंस को कैरी ओवर कर दिया हमने रीग्रुपिंग में टेंस बना के. अब टेंस में थ्री प्लस वन प्लस वन फाइव, सो दे हैव 53 फ्लावर्स. ओके नाउ लुक, आदित्य एंड वरुण वेंट टू द बीच अर्ली इन द मॉर्निंग. आदित्य ने कलेक्ट किया 23 शेल एंड वरुण ने 45. टोटल कितने हैं? 23, 45. टोटल कितने आएंगे? 5, 3, 8, 4, 2, 6. सो 68 टोटल दे हैव कलेक्टेड. आकाश रीड 32 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक. ही हैड 24 मोर पेजेस टू फिनिश. हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक? क्या करेंगे? 32 पेजेस ने रीड करे, 24 पेज और हैं. टोटल पेजेस क्या आ गए? इसको प्लस किया, 4, 2, 6 and 3, 2, 5. Okay, that is how you will be doing. ये हो जाएंगे. तो इस तरीके से हम एडिशन करेंगे. नाउ कम्स टू सब्सट्रैक्शन. वन डिजिट नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है टू डिजिट में से. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? एडिशन में अलग रूल्स फॉलो होते हैं, ग्रुपिंग चलती है, ऑर्डर कोई सा भी होता है, बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता. एग्जांपल देखिए, तापी के पास 17 टॉफीज थी और उसने 4 टॉफीज खा ली. हाउ मेनी टॉफीज बर लेफ्ट? जब लेफ्ट पूछा जाता है हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्या करेंगे? 17 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. वर्किंग स्टेप क्या होंगे? पहले कॉलम्स में लिखो, 17 में 1 10 7 वंस और 4 में सिर्फ 4 वंस है. माइनस करना है, वंस वाले में माइनस करेंगे. 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3 आ गया. 1 के नीचे कुछ नहीं है, मान लीजिए 0. 1 में 0 गया, 1 आ गया. तो क्या आंसर आ गया? 13. सो 13 टॉफीज वर लेफ्ट विद तापी. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.6. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स. क्या करना है इसमें? हमें सब्ट्रैक्ट करना है 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है. वंस करते हैं ना पहले सब्ट्रैक्ट. 8 में से 6 चला गया, देखिए 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितना बचा? 2. यहाँ कुछ नहीं है, 0, मतलब 5 में से 0 गया, 5. 2 में से 1 जाएगा, ये तो ईजी है. 2 में से 1 चला गया, कितना बचा? 1. 9 में 0, 9. 9 में से 2 गया, 7. 3 में से 0, 3. दैट इज हाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. ओके, आप बार्स ड्रॉ करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट प्लीज प्रैक्टिस एंड लर्न हाउ टू कैलकुलेट ऑन दी हैंड्स. सब्ट्रैक्शन ऑन दी टू डिजिट नंबर फ्रॉम अ टू डिजिट नंबर. अब जब 2 में से 2 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, एग्जाम्पल देखिए, प्रीतीज मदर इज 32 ईयर्स एंड अ ग्रैंड मदर इज 65 ईयर्स. हाउ मच ओल्डर इज प्रीति ग्रैंड मदर देन हर मदर? प्रीति की ग्रैंड मदर उसकी मदर से कितनी ओल्ड हैं? क्या करेंगे? प्रीति की मदर की एज को किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे? ग्रैंड मदर की एज में से. देखिए फ्रॉम लिखा है ना, फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है हमेशा. ग्रैंड मदर की 65 है. हम कभी भी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ओके, तो ऑर्डर शुड बी फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर. 5 में से 2 करेंगे, 2 गया, कितना बचा? 3. 6 में 3, कितना बचा? 3. ओके, तो वंस को सब्ट्रैक्ट किया पहले, फिर हमने टेंस को सब्ट्रैक्ट किया, एंड देन 33 बचा. तो प्रीति की ग्रैंड मदर उसकी मदर से 33 ईयर ओल्डर है. एट में से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? 1, 2, 3, 4. यस, 5. अब 6 में 3 करेंगे, 1, 2, 3, क्या आया? 35. इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है. एक और करके देखते हैं, 9 में से 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बचा है. 7 में से 2, 7 में से 2 करके देखिए, 1, 2, 3, 4, 7. 7 में से 2 गया, कितना बचा? 1, 2, 3, 4, 5. ओके, दैट इज हाउ इट इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड. क्लियर है? इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. अब है बात सब्ट्रैक्शन विद यूजिंग रीग्रुपिंग. हमने वन डिजिट सब्ट्रैक्ट, टू डिजिट सब्ट्रैक्ट देख लिए. रीग्रुपिंग कैसे करते हैं बेटा? रीग्रुपिंग करने का तरीका सेम होता है. यू हैव 5 चॉकलेट्स, योर फ्रेंड आस्क यू टू गिव हिम 7 चॉकलेट्स. क्या आप 7 दे सकते हो?
नहीं दे सकते हो सेवन बिकॉज यू हैव ओनली फाइव. सो इफ यू बोरो फ्रॉम समवन गिवन एंड गिव सेवन चॉकलेट्स टू योर फ्रेंड इन द सेम मैनर, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है बिगर नंबर को फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर किसी भी एक कॉलम में, तो हम क्या करते हैं, हम बोरो करते हैं उसके नेक्स्ट कॉलम से, वंस के लिए टेंस से, टेंस के लिए हंड्रेड से. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रीग्रुपिंग. क्या कहते हैं, लेट अस रीग्रुप सिक्स टेंस एंड टू वंस. अगर मैंने सिक्स टेंस में से एक टेंस निकाल लिया तो यहाँ तो फाइव टेंस बच जाएगा और यहाँ पे टू वंस प्लस टेन वंस दैट इज ट्वेल्व वंस हो जाएगा. राइट, सिक्स टेंस में से ये टू वंस था, मैंने क्या करा इसमें से अगर मैंने फाइव टेंस कर लिया, टेन उधर चला गया तो क्या बचेगा मेरे पास, फाइव टेंस और ट्वेल्व वंस. राइट, नेक्स्ट देखिए 76 में कितने टेंस और कितने वंस हैं, इसमें सेवन टेंस हैं सिक्स वंस हैं. ऑल्सो अगर मैं सेवन टेंस को सिक्स टेंस बना दूं तो यहां कितने हो जाएंगे, 16 वंस. 52 में फाइव टेंस है टू वंस है, फाइव टेंस को मैं फोर टेंस भी बना सकती हूँ, इसमें से वन टेंस कम किया तो वन टेंस जब ऐड होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 12 वंस. ओके, एट टेंस थ्री वंस था, सेवन टेंस 13 वंस, सिक्स टेंस सिक्स वंस था, फाइव टेंस 16 वंस. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्ट रीग्रुप इंग और बोरोइंग, सब्ट्रैक्ट करना है हमें. 22 प्लेट्स स्टैक थी, 15 प्लेट्स वर यूज्ड, कितनी प्लेट्स बची हैं जो यूज नहीं हुई हैं, कैसे निकालेंगे सब्ट्रैक्ट, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वंस की प्लेस को. वंस की प्लेस पे अगर आप देखोगे 22 में से 2 में से 5 जा सकता है क्या, नहीं. हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, क्या हो जाएगा ये वन टेंस हो जाएगा और 12 वंस, 12 में से 5 जाएगा 7 और 1 में से 1 जाएगा 0. यहाँ देखिए 2 छोटा है 5 से, 2 में से नहीं जा सकता. 22 को हम 2 टेंस 2 वंस लिख सकते हैं या फिर 1 टेंस और 12 वंस, यहाँ 12 बन गया. अब क्या करेंगे, 12 में से 5 तो जा सकता है 7 और टेंस प्लेस को 2 की जगह 1 हो गया है, अब 1 में से 1 जाएगा तो 0. सो 7 प्लेट्स वर यूज्ड. इज दैट क्लियर, ये समझना ज़रूरी है. 2 में से 5 नहीं जा सकता तो हमने यहाँ से रीग्रुपिंग करी, इसमें से एक 10 ले लिए थे, वंस 1 10 बचा और यहाँ पे जब ये वंस में आया तो 10 10 10 वंस प्लस 2 वंस 12 वंस हो गया. यहाँ देखिए अब 4 में से 7 जा सकता है, नहीं, हम क्या करेंगे रीग्रुपिंग, यहाँ से 9 में से लेंगे तो ये तो 8 हो गया, यहाँ दिया तो क्या हो गया है 14, 14 में 7 7 बचा और 8 में 3 5 बचा. मैं फास्ट कर रही हूँ, आप बार करके भी कर सकते हैं, पता होना चाहिए, बट आपको नाउ डेज तो 14 में 7 गया, 14 में 7 जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 7 बचा ना, फिर 8 में 3 जाना है, 8 में 3 गया 8 7 6 5. राइट, अब देखिए इसमें देखिए यहाँ 0 वंस है, जा ही नहीं सकता, 7 में से लेंगे ये तो क्या हो गया 6, और जब वन टेंस वंस में जा तो क्या बनता है 10, 10 में से 2 गया 8 एंड 6 में 3 गया 3. ओके, कोई भी और बताइए, आपको करके दिखाते हैं. 2 में से 5 नहीं जा सकता, 9 में से कैरी ओवर लिया, यहाँ 9 टेंस का 8 टेंस हो गया और यहाँ 12 वंस, 12 में से 5 7, 8 में से 1 7. इज दैट क्लियर, दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. आप प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करके. नाउ वी हैव स्टोरी सम्स. अब स्टोरी सम्स में क्या होगा, 59 बटरफ्लाइज थी, 30 जो थी उसमें से ब्लू थी, उनमें से जो ब्लू कलर की नहीं थी वो कितनी थी, क्या करेंगे, टोटल में से ब्लू का नंबर माइनस कर देंगे,
59 में से हम 30 माइनस करेंगे, लिखेंगे कैसे? टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाई कितना था? 59. ब्लू बटरफ्लाइज कितनी थी? 30. अब बटरफ्लाइज जो ब्लू नहीं है वो कितनी थी? दिस माइनस दिस, क्या आ जाएगा? 9 में 0 9 और 5 में 3 गया 2. सो विच आर नॉट ब्लू इन कलर इज 29. बर्ड्स ऑन अ ट्री 40 थे, 25 उनमें से फ्लाई अवे हो गए, कितनी बची? टोटल बर्ड्स 40, बर्ड्स फ्लाई अवे 25, बर्ड्स जो बची हुई हैं वो 15. हमेशा स्टोरी सम्स में हमें स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं. ओके, यहाँ देखिए. अवनी कलेक्टेड 32 लीव्स फॉर हर स्क्रैप बुक. शी केप 14 फ्रॉम द कलेक्शन. शी थ्री अवे द रेस्ट. हाउ मेनी डिड शी थ्री अवे. टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितनी कलेक्ट की उसने? सॉरी 32. उसने कितनी रखी अपने पास? 14. थ्रो अवे कितनी करी? माइनस करेंगे, 2 में से 4 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे. 3 में से कैरी लिया तो ये 2 बन गया, और यहाँ कैरी लिया तो ये 12 बन गया. 12 में से 4 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 18. 1 तो 18 लीव्स उसने थ्रो अवे करी. कितनी? देर आर 57 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 1. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 57. 22 वेंट ऑन अ पिकनिक. हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट गो फॉर द पिकनिक. कितने नहीं गए टोटल में से? नंबर ऑफ स्टूडेंट वेंट टू पिकनिक 27. नहीं गए वो क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3. आर एन मेड कटआउट्स ऑफ 83 डिफरेंट शेप. 41 ऑफ देम वर ट्राइंगल. नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ देम वर नॉट ट्राइंगल. क्या करेंगे? टोटल में से ट्राइंगल्स को माइनस करेंगे सेम वे में. इस क्वेश्चन में भी 89 हनी बीज हैं जो हमिंग कर रही हैं. 36 हाइव में हैं जो उड़ रही हैं, वो कितनी है? क्या करेंगे दोबारा से? टोटल है हमारी 89. 36 है बैठी हैं, जो नहीं है माइनस करेंगे. 9 में 6 जाएगा 3, 5 तो कितना आ गया? 53. ओके, दैट इज हाउ यू विल सॉल्व. नाउ वी हैव एम सी क्यूज. क्या है हमारे पास? एम सी क्यूज. देखिए, डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन. जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा हमें एम आर शीट में मार्क करना है. यूज दिस लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फाइंड द ब्लैंक्स. 12 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 14 प्लस 11 डैश 19 प्लस 12 प्लस 13 है. 12 में उन्होंने 2 बढ़ाया. देखो 3 प्लस 2 क्या आएगा? 5 और 1 प्लस 1 2. यहाँ क्या आएगा? 4 प्लस 1 5 और 1 प्लस 1 2. यहाँ क्या आएगा? 2 प्लस 9 11 कैरी 1 1 प्लस 1 2 प्लस 3 31. तो 25 और 25 तो क्या है आपस में? इक्वल. और 25 31 क्या है? 25 इज लेस देन 31, राइट? सो इस तरीके साइन आएगा. पहला आएगा इज इक्वल्स टू का, फिर आएगा आपका लेस देन. तो साइन कौन सा बन रहा है? सी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्या करूँगी? सी को डार्क कर दूंगी. देन वी हैव व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर गिवन इन द बॉक्स. ग्रेटेस्ट नंबर क्या है इसमें से? देखिए 83. और स्मॉलेस्ट क्या है इसमें? 29. डिफरेंस निकालना है मतलब माइनस करना है. 83 माइनस 29. 3 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी ओवर करेंगे ये 7 बच जाएगा और ये 13 हो जाएगा. 13 में से 9 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54. कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी. फिर से सी को. देन वी हैव फाइंड एस एंड टी रिस्पेक्टिवली. किस में से 4 को माइनस करेंगे कि 4 आएगा? हमने एडिशन के वो पढ़े थे ना, हर एक सब्ट्रैक्शन के लिए 2 एडिशन फैक्ट होते हैं. 4 प्लस 4 8. तो यहाँ क्या आना चाहिए? 8. 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा. 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5. तो आ गया 58. पहला 5 है देन 8 है. 5 और 8 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी.
So we will go with option D. Okay, then we have here with us, kya hai hamare paas ab? We have next question, and this question is, we have P and Q. We have to find P and Q. Find out kare P and Q. किस में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 3 आए? 4 प्लस 3 क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड, यह सब्ट्रैक्शन था. अब यहाँ क्या है, सेम क्वेश्चन, बट किस में 4 प्लस करें कि 3 आए? किसी में 4 प्लस करेंगे, 3 प्लस 4 क्या होगा? 7. कितने में हम 4 प्लस करेंगे 3 आए? 3 तो आएगा नहीं, 1 भी करेंगे तो भी सब्ट्रैक्शन तो है नहीं. तो यहाँ क्या आएगा हमारा 9. 9 और 4 जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 13. 13 में से 13 का 3 कैरी ओवर 1 जाएगा, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6. सो पी विल बी 9 एंड क्यू विल बी 6, क्योंकि कोई भी नंबर रखने पर हम ऐड करने पर 3 नहीं ला सकते, बिकॉज ये 4 है ऑलरेडी, राइट? तो हम अब नेक्स्ट उस पर जाएंगे जो पॉसिबिलिटी है 13 होने की. तो पी इज 9 एंड क्यू इज 6, ऑप्शन सी. फोर्थ के लिए क्या करेंगे हम, ऑप्शन, देन वी हैव फाइंड द नंबर दैट इज मोर देन 38 बट लेस देन 48. 48 से तो कम हो मगर 38 से ज्यादा हो. 45, 38 से ज्यादा है, 48 से कम है. 49, 38 से ज्यादा है पर 48 से कम नहीं है. 31, 38 से कम है. 50, 48 से ज्यादा है, तो नंबर 45. वी विल गो विद ऑप्शन ए. ओके, दैट इज हाउ वी हैव डन. सो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 100. इज दैट क्लियर टू यू? आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट नंबर, कैरी ओवर विद विदाउट कैरी ओवर, ग्रुपिंग, how we do, how we take care in mind and story sums. Okay, please practice more questions and clear your doubt. Thank you for your understanding. Thank you so much.